अब क्या होगा शरण? होगा क्या? कुछ नहीं होगा। देखो ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिंदगी एक नदी की तरह होती है और सागर जिसकी मंजिल है, और नदी अपनी मंजिल किसी ना किसी तरीके से ढूंढ लेती है, और हमें भी अपनी जिंदगी को सिर्फ ऐसे जीना है। तुम्हें याद है शरद, बचपन में हम कागज की नाव बनाकर बरसात के पानी में चलाया करते थे। वो नाव कुछ दूर चल के डूब जाती थी। आज ऐसे ही महसूस हो रहा है कि मैं भी उस नाव में बैठी हूँ। दोन परी ने, हम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला कर लिया है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती ना। हम अपनी जिंदगी के नाव को नहीं डुबा देंगे। तुम्हारी तरह पॉजिटिव होकर सोचना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हमारी जिंदगी क्या से क्या हो गई शरद? पहले बिना किसी के डर के हम मिला करते थे, पर अब अपनी हर मुलाकात की खबर तारा को देनी पड़ती है ताकि हमारी चोरी ना पकड़ी जाए। It just feels so strange. हाँ नेहा, लेकिन मैं क्या करूं नेहा? जब तुमने मेरे सामने वो शर्त रखी थी तो मैंने ईमानदारी से एक अच्छा और एक लायक बेटा बनने की बहुत कोशिश की नेहा, अपने माँ बाप की सेवा करने की बहुत कोशिश की। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ नेहा कि जब मेरी फैमिली को, खासकर मेरी माँ को ही मेरी खुशियों की परवाह नहीं है, तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं और किस लिए सोचूं? यहाँ जिन्हें मेरी खुशी से लेना देना नहीं है, उनके लिए मैं उसे दुखी क्यों करूं जो मुतरता है, जो अपने से ज़्यादा मेरी खुशी की परवाह करता है? मैं ऐसा नहीं कर सकता नेहा। I'm just very scared, शरद। नामकरण सेरेमनी में तुम्हें तारा के साथ देखकर माँ बहुत अपसेट हो गई थी। I'm sure. अब वो चुप नहीं बैठेंगे। Don't bother नेहा। कल क्या होगा उसको आज सोचकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? और फिलहाल इतने अच्छे मौसम में अपना मूड खराब मत करो। Let's enjoy. हाँ, अगर किसी ने देख लिया ना और माँ को बता दिया तो माँ मुझे घर से निकाल देंगी और तुम्हारा भी वही हाल होगा। भाई ये तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम दोनों एक साथ हो जाएंगे और अपना घर बसा कर अपने सपनों का घर बसा सकेंगे, है ना? शरद, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए है ये।